वेरी वेल वेलकम दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे नॉलेज प्रोवाइडर के इस वीडियो में। और इस वीडियो में हम बहुत खास टॉपिक पे आज बात करने वाले हैं। ये जो खास टॉपिक है यह हमारे एनवायरनमेंट से रिलेटेड है। आपने एक टर्म के बारे में सुना होगा जिसको आपके क्लाइमेट इंजीनियरिंग बोलते हैं, या जियो क्लाइमेट इंजीनियरिंग का नाम तो आपने सुना ही होगा। मैं क्यों इसकी बात कर रहा हूँ, अब देखिए, इसमें आज हम एक टॉपिक के बारे में चर्चा करने वाले हैं। वो टॉपिक का नाम ये है, या उस टॉपिक के बारे में मैं ये कहना चाहूँगा कि आजकल आर्टिफिशियल रेन भी आप जानते हैं हो जाती है, जिसको आर्टिफिशियल रेन सीडिंग के मेथड से करते हैं। तो किसी प्लेन को लिया जाता है, उस प्लेन में कुछ केमिकल्स को हवा में बादलों के ऊपर स्प्रे कर दिया जाता है और कुछ देर में वहाँ पर बारिश होने चालू हो जाती है। अब यहाँ पर आज हम इसके बारे में बात नहीं करेंगे, हम डिफरेंट टॉपिक के बात करेंगे, लेकिन वो आपके क्लाउड से ही रिलेटेड होगा और ये क्लाइमेट इंजीनियरिंग से ही रिलेटेड है। हम यहाँ पर ये देखेंगे कि सूर्य ग्रहण के टाइम कैसे जो बादल होते हैं वह काफ़ी हद तक गायब हो जाते हैं या छट जाते हैं। अब इसका कारण क्या है, तो इसके कारण को के ऊपर रिसर्च कर रही थी आपके विक्टर ट्री नाम के एक व्यक्ति और उनकी टीम की। ये बिलोंग करते हैं आपके रॉयल नेदरलैंड मेटेरोलॉजिकल इंस्टीट्यूट से, और इनकी जो यूनिवर्सिटी है जिसको बोला जाता है डेल्फ यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी। अब इन्होंने खास चीज़ को ऑब्जर्व किया, इन्होंने काफ़ी समय से ऑब्जर्वेशन चल रही थी इनकी, और इनकी ऑब्जर्वेशन जो चल रही थी वो अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के ऊपर चल रही थी। तो अफ्रीकन कॉन्टिनेंट से ये मेजर कर रहे थे, और अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में इसलिए तो धूप बहुत ज़्यादा पड़ती है जिसके कारण वहाँ पर ये चीज़ को मेजर। अब इन्होंने अफ्रीकन कॉन्टिनेंट को ही क्यों चुना, हम इसके बारे में पहले देखते हैं, समझते हैं। अफ्रीकन कॉन्टिनेंट को इसलिए चुना क्योंकि वहाँ पर धूप बहुत ज़्यादा पड़ती है, वो इक्वेटोरियल लाइन के आसपास ये कंट्री है, तो वहाँ पर धूप बहुत ज़्यादा होती है। धूप ज़्यादा होने के कारण वहाँ पर क्या होता है, वार्म एयर ज़्यादा बनती है। तो वार्म एयर ज़्यादा बनने के कारण क्या होता है, जो आपका लैंड होता है वहाँ पर जितने भी आपके वाटर जैसे नदी हो गए या बाकी जो चीज़ हो गए, वहाँ से वाटर जो होता है वेपर्स के फॉर्म में ऊपर होता है, और गर्म हवा के साथ साथ ये ऊपर की ओर जाता है वेपर्स के फॉर्म में। और आप जानते हैं कि जैसे धीरे धीरे जो वाटर वेपर ऊपर की ओर जाएगा तो ऊपर का वातावरण पृथ्वी का ठंडा होता है, जिसके कारण ये कंडेंस हो जाता है, और कंडेंस होने के बाद बादल के रूप में परिवर्तित हो जाता है या क्लाउड बन जाता है। क्लाउड बनने के बाद इसी क्लाउड को हम लोग बोलते हैं क्यूमुलस क्लाउड। ये बरसने वाले क्लाउड्स या बादल नहीं होते, ये आप जो नॉर्मल आप आसमान में नीले आसमान के ऊपर देखते हैं ये वैसे क्लाउड्स हैं जो आपको नजर आएंगे, लेकिन यही क्लाउड्स आगे जाके आपके रेनिंग क्लाउड्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। जब ये कंडेंसेशन इनका बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो यही कन्वर्ट होकर आपके रेनिंग क्लाउड्स में भी कन्वर्ट हो जाते हैं। अब ये जो क्लाउड फॉर्मेशन का फिनोमेना है बिना सन के हो ही नहीं सकता, क्योंकि जब तक सन की धूप धरती पर पड़ेगी इससे जितने मॉइस्चर हैं या वाटर हैं या जितने भी वाटर बॉडीज़ हैं उनसे जो वाटर वेपर के फॉर्म में ये वेपर्स ऊपर जाएंगे, कंडेंस होंगे और क्लाउड्स का फॉर्मेशन या बादल का निर्माण करेंगे। अब यहाँ पर ये जो विक्टर ट्री है और उनकी टीम ने इसको ऑब्जर्व कर रहे थे, और उन्होंने 2005 से 2016 तक इसको ऑब्जर्वेशन किया अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के ऊपर, और इन्होंने एक चीज़ पाया, इन्होंने लगभग 3 सोलर एक्लिप्स ये सूर्य ग्रहण को ऑब्जर्व किया, और इसमें ये सूर्य ग्रहण को ऑब्जर्व किया तो उन्होंने एक चीज़ को यहाँ पर देखा समझा कि जब 15% जब सूर्य ग्रहण ही हो पाया था, 100% बात नहीं कर रहा हूँ, 15% जब सूर्य ग्रहण ही हो पाया था, तो 15% जब सूर्य ग्रहण हुआ था उस टाइम ही, आप समझ जाए सूर्य ग्रहण भी पूरा नहीं हुआ है, सिर्फ 15% ही सूर्य ग्रहण हुआ है, तो 15% सूर्य ग्रहण में उसकी कुछ रोशनी को तो ग्रहण की वजह से धरती पर आने से रुक गई। इसी के असर के कारण आसमान में जितने सारे क्लाउड्स थे या बादल थे वो छटने चालू हो गए, वह गायब हो गए, और धीरे धीरे जब पूरा एक्लिप्स हो गया, पूर्ण सूर्य ग्रहण या पूरा सूर्य ग्रहण हो गया, तो पूरे बादल उस आसमान से जहाँ पर सूर्य ग्रहण था वहाँ साफ हो गए या गायब हो गए। अब ऐसा हुआ क्यों, क्योंकि इनको सबसे पहले तो ये चीज़ समझ में नहीं कि ऐसा हुआ क्यों, तो इन्होंने एक सिमुलेशन क्रिएट किया, एक सॉफ्टवेयर क्रिएट किया, सिमुलेटिंग सॉफ्टवेयर जो ऐसे ही नकल करता है, और इस सॉफ्टवेयर का नाम है डेल्स DALES, और इस सॉफ्टवेयर मदद से इन्होंने डाटा कलेक्ट किया इनके पूरे रिसर्च का, और इनको ये नतीजे पर पहुंचे कि जब भी सूर्य का ग्रहण होता है तो उससे आने वाली रोशनी है वो धरती पर आने से रुकती है।
इनके वजह से ये होता है कि धरती पे जो आपके जो लैंड एरिया है, मैं ओशन की बात नहीं कर रहा क्योंकि ओशन में इतने जल्दी वेपर या ओशन का तापमान इतना जल्दी नहीं बढ़ता आपके लैंड या फिर धरती के अपेक्षा। यह सूर्य की रोशनी ना पड़ने या सूरज की रोशनी ना पड़ने के कारण वो जगह गर्म हो ही नहीं पाए, जिससे वाटर वेपर का फॉर्मेशन नहीं हो पाया, जिससे क्लाउड फॉर्मेशन होना बंद हो गया। इसी की वजह से जब सूर्य ग्रहण हुआ तो सूर्य ग्रहण होने के कारण वहाँ पर जो आपके क्लाउड फॉर्मेशन है वो हो नहीं पाए और एकदम से ये छट गए। तो मेरा प्रोसेस इस चीज़ को समझाना तो था, लेकिन एक और चीज़ है क्योंकि अब नाउ अ डेज ग्लोबल वार्मिंग जैसे सिचुएशन आ रहे हैं, पॉल्यूशन जैसे कंडीशन आ रहे हैं। अब आप जानते हैं कि अर्थ में एक कंडीशन जो है पॉल्यूशन बहुत विकराल रूप ले रहा है। दिल्ली में आप देखते होंगे पॉल्यूशन इतना ज़्यादा होता है कि ठंडी के दिनों में कोहरा छा जाता है, इतना ज़्यादा पॉल्यूशन। भविष्य में अगर ये पॉल्यूशन और बढ़ा तो ये आपके वातावरण को ढक देगा, और इन्हीं के ढकने के कारण, पॉल्यूशन के ढकने के कारण जो सन से आने वाली लाइट रेज हैं वो धरती पे आ नहीं पाएंगी, और जब ये आ नहीं पाएंगी तो इसके वजह से धरती का जो तापमान है वो इस जगह पर प्रॉपर एलिवेट नहीं होगा या बढ़ेगा नहीं, और इसके वजह से ये होगा कि क्लाउड्स का फॉर्मेशन हो नहीं पाएगा। इसका सबसे बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा उन जगह पर जो जगह मानसून पे डिपेंडेंट है। आप जानते हैं कि भारत में मानसून आने पे ही और मानसून ही वे पे ही कई जगह या कई स्टेट डिपेंडेंट होते हैं, और इसी कारण ग्राउंड वाटर का जो लेवल है वो फिर से होते हैं, क्योंकि जब तक बरसात नहीं होगी तो ग्राउंड वाटर लेवल फिर से बढ़ेगा नहीं, तो मानसून के कारण ही बारिश होती है ग्राउंड में, तो ये पैटर्न डिस्टर्ब होगा। क्योंकि आप जानते हैं अगर बादल रहेंगे तभी तो बारिश होगी, और बादल ही नहीं रहेंगे तो फिर बारिश कहाँ से हो पाएगी। तो ये पैटर्न यहाँ पर डिस्टर्ब बनने का प्रतिशत काफ़ी हद तक घट जाएगा या आगे पीछे होगा, और इसी के कारण जो क्लाउड के पैटर्न्स हैं या मानसून के जो पैटर्न्स हैं वो डिस्टर्ब होंगे, जिसके कारण आपका रेनी सीजन का या फिर जो रेन होने का पैटर्न है जिस जगह पे होते होते बारिश आती है मानसून हवाओं की वजह से, वो पूरा डिस्टर्ब हो जाएगा, जिसके कारण इसका पूरा इम्पैक्ट किसी भी कंट्री के इकोनॉमी पर पड़ेगा, और इस कमी के वजह के कारण हो सकता है भविष्य में फिर पानी की कमी से भी किसी एरिया को जूझना पड़े। तो होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, आप कमेंट करके बताइए वीडियो आपको कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।